हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज बेस्ट किचन। गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं आता, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम और ओरियो आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए पहले हम आइसक्रीम बेस बनाएंगे। उसके लिए चाहिए आधा लीटर दूध, 1 टेबल स्पून शुगर, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1.5 टेबल स्पून GMS पाउडर, 1/4 टीस्पून CNC पाउडर। GMS पाउडर आइसक्रीम को क्रीमिनेस और सॉफ्ट बनाएगा। CNC पाउडर आइसक्रीम को पिघलने नहीं देता। इसमें हम शुगर, कॉर्नफ्लोर, GMS पाउडर, CNC पाउडर ठंडे दूध में मिक्स करेंगे। शुगर के पिघलने तक हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसको गैस पे उबलने के लिए रखेंगे। इसे एक उबाल आने तक हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि चिपके नहीं। ठंडा करके मोल्ड में डालेंगे। हमारे आइसक्रीम बेस को सेट हुए एक दिन हो चुका है, हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी हम 2 कप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करेंगे। अब हम व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी व्हिप क्रीम व्हिप हो चुकी है। अभी हम इसमें बेस डालेंगे। अभी हम बेस को इसमें बीट करेंगे। जैसे कि हम 2 फ्लेवर की आइसक्रीम बना रहे हैं, तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। अभी हम इसमें मैंगो फ्लेवर देने के लिए 1 कप मैंगो पल्प डालेंगे। मैंगो पल्प डाल के बीट करेंगे। अभी हम आइसक्रीम को कंटेनर में सेट होने के लिए रखेंगे। स्पैचुला से टेन कर देंगे। क्लीन रैप से कवर करके सेट होने के लिए फ्रीजर में रखेंगे 7-8 घंटे के लिए। अभी हम ओरियो आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए 10 ओरियो बिस्किट्स चाहिए और उसमें से क्रीम निकाल के व्हिपिंग क्रीम में व्हिप करेंगे। अभी बिस्किट की क्रीम डाल के व्हिप करेंगे। अभी बिस्किट को हाथ से क्रम्बल करेंगे। अभी क्रम्बल किए हुए बिस्किट व्हिपिंग क्रीम में डाल देंगे और व्हिप करेंगे। अभी हम ओरियो आइसक्रीम को एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रीजर में 7-8 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे।
स्पैचुला से प्लेन कर देंगे। अभी हम इसको कवर करके फ्रीजर में रख देंगे। आइसक्रीम को फ्रीज किए हुए 7-8 घंटे हो चुके हैं और हमारी आइसक्रीम सेट हो चुकी है। अभी हम उसको सर्व करेंगे। तैयार है हमारी मैंगो आइसक्रीम और ओरियो आइसक्रीम। अगर मेरे आइसक्रीम की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।